सुलेमानी तलवार। यस, सुलेमानी तलवार। एन एवलांच इज कमिंग। So today I welcome you complete YouTube in this beautiful surroundings of Leh Ladakh. आज का हमारा aim है हम जाएंगे उस वाले पहाड़ के ऊपर और वहां से अपनी ब्लॉग की शूटिंग करेंगे। ये है ऊंचे ऊंचे पहाड़ ले और लद्दाख के। इस वक्त हम कहीं से कारगिल के किसी छोटे से गांव में। Where I'm stuck for last about a month. I'm waiting for the snow to clear so that I can move around and go to my home अपनी धनों के साथ। अरे तेरी कष्ट है, बहुत कष्ट है। आप तो निशान नहीं है। बर्फ का रेगिस्तान। ना भाई, ये ये इश्क नहीं आता। तो आज समय कुछ ऐसा है कि हमें चढ़ना इतना ऊंचा पहाड़ और घर से निकले अभी मैक्सिमम 50 मीटर ही आए हैं और ऐसा लग रहा है कि 5 किलोमीटर दौड़ के आ गए हैं। मुश्किल है, इट्स वेरी टफ, बट आई विल डू इट, आई विल डेफिनेटली डू इट। बर्फ में चढ़ने का तरीका, इट्स अ बैलेंसिंग एक्ट। एंड वी हिट द मेन रोड। और ये है इस वक्त कारगिल की सड़कें जो -25-27 डिग्री सेंटीग्रेड में एकदम जम सी गई हैं। जो आप देख रहे हैं वो सड़क का टार नहीं, सड़क का हार्ड टॉप नहीं है, एक मोटी लेयर बर्फ की है। हमें चढ़ना है उस पहाड़ पे जहाँ पे शैडो पड़ रही है, बट अभी स्नो लेवल ज़्यादा है और थोड़ा आगे चलने से पैर एकदम अंदर घुस जा रहा है। बट स्टिल वील ट्राई एंटिल वी फेल, बट वी विल ट्राई नॉट टू फेल एंड ट्राई कीप ऑन क्लाइंबिंग द फीचर अंटिल वी रीच द समिट। उतरे की ये हुआ दो कदम चलने के बाद। अभी हम फिर ट्राई करेंगे, पर आई थिंक ये काम थोड़ा मुश्किल है। बस अगर यहाँ से चले तो ठीक है ना, यहाँ पत्थर है। ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और तैर के जाना है। सामने आप देख रहे हैं एक स्टोन क्वारी है, स्टोन क्वारी तक एटलीस्ट पहुंचने की कोशिश करेंगे हम। Thank you.
तो कोशिश कर कर के हम काफ़ी ऊपर तक पहुंच चुके हैं, बट अभी रहा और मुश्किल है आगे, बिकॉज आगे बर्फ़ का लेवल कुछ ज़्यादा ही है। Life at -30 my dear friends. Life is pretty tough. It's difficult to manage. Temperature हो रहा है इस वक्त -20 degree centigrade, जो कि मैं कोशिश करूँगा आपको दिखे दिखा। This is temperature as of now here in Kargil, -20 degree centigrade, और इसी temperature में हम ये छोटा सा हमने जो ट्रैकिंग प्लान किया है उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। एम हमारा था उस पहाड़ तक जाने का ये जो पिलर के पीछे है, बट आई थिंक इन कंडीशंस में वहाँ तक जाना मुश्किल हो जाएगा, तो हमारा अब प्लान सिमट के इस स्टोन क्वारी तक का रह गया। इस स्टोन क्वारी तक जाएंगे, वहाँ 5 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर अपने प्लान को कहीं और लेके जाएंगे। तो इसी बात पे जोरदार तालियां कैन यू व्लॉग्स के लिए। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तो 3, 2, 1 ये And this is the balancing act. The destination is just near. यहाँ पर रहता होगा क्या कोई? है ना? मुश्किल है ना? यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल। कितनी अजब है ये दुनिया। और सामने द स्टोन क्वारी, पिछले तकरीबन 4 दिन से बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा था और उसके बाद ये हाल हो चुका है। तो नेजी तो यहाँ पे कम से कम 4 फुट की बर्फ़ है सिर्फ छोटे छोटे 3 से 4 दिन के फ्लोफॉल में। यहाँ तक इसलिए दिख रही है कि नीचे वाली बर्फ़ में हमारा पैर दब नहीं रहा है, बिकॉज वो हार्ड बर्फ़ है और जब हम चल रहे हैं तो वैसे वो हार्ड हो जा रही है। और ये क्या यहाँ पर हमें कोई मिलेगा? लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक भी ले लेंगे, जान में जान आए और हम अपनी वापसी की जर्नी भी कर सकें। यस यू राइट बेटा। ना नो रे नो यूरेका, देयर इज नो वे यू कैन फाइट दिस स्नो। Oh shit. तो कैमरा हमारा एकदम भीग चुका है, 10 मिनट के लिए यहाँ पे सुखाएंगे, इसकी बैटरी हमने निकाल दी है। तब तक हम करते हैं तलवारबाजी। तो हमने कोशिश तो बहुत की हम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ पाएँ, बट इतना चढ़ने तकरीबन हमको 2 घंटे हो गए हैं यहाँ तक पहुँचने भी, और डिस्टेंस आई थिंक मैक्सिमम वाज यहाँ तक का मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ से हम शुरू किया सिर्फ 2 किलोमीटर है, 2 से भी कम ही होगा। तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आई थिंक 1.5 किलोमीटर ही होगा, मैं कहते 2 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 किलोमीटर कवर करने में हमको तकरीबन 2 घंटे लग गए हैं। तो वहाँ तक जाते जाते तो आई थिंक शाम हो जाएगी, और ऐसे भी इट इज़ नॉट अ वेरी सेफ एरिया बिकॉज This area is very avalanche slopes there. These are avalanche prone slopes. और अगर avalanche आ गया तो हमारा नाम निशान नहीं रहेगा और घर वालों को हमारे पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ रह गए और कहाँ गायब हो गए। गुमशुदा तलाश के अंदर तक ही अपना नाम फिर सीमित रह जाएगा, इसलिए पंगा नहीं लेने का लाइफ में। रिस्क लो बट टेक ऑलवेज कैलकुलेटेड रिस्क। वहाँ पर जाना इज़ नॉट वेरी फेयर एंड इट इज़ वेरी रिस्की, तो वील ड्रॉप द आइडिया ऑफ गोइंग। वो सामने
आपको एक वैली में एक छोटा सा कुछ गांव टाइप दिख रहा है, दैट इज वन ऑफ द विलेजेस विच इज अबाउट, रोड से अगर जाए तो उसका डिस्टेंस यहाँ से 15 किलोमीटर है, बट एरियल अगर आप देखें तो डिस्टेंस वुड नॉट बी मोर देन आई थिंक 5 से 7 किलोमीटर्स। सामने वही जो सामने रेंज आ रही है वो आगे जाके नूनकुन रेंज में मिलती है, और नूनकुन हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ लेह लद्दाख रीजन, इसी रेंज को कंटिन्यू आगे करते हैं। नून एंड कुन एज आर अबाउट 7200 meters एंड 7350 meters रिस्पेक्टिवली, विच इज़ जस्ट 1.5 किलोमीटर्स शॉर्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर मैनी क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग अप टू दैट पीक। दिस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दिस इज़ सुरू वैली, क्योंकि यहाँ पर नीचे सुरू नदी बहती है जो हमने आपको पिछली बार भी दिखाई थी, और ये पहाड़ सुरू वैली का एक हिस्सा है, और दोनों तरफ वैली फ्लोर, ये बीच में वैली फ्लोर और दोनों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़, और सामने वो जो आप देख रहे हैं इज़ वन ऑफ द ग्लेशियर्स, जो कि अभी इट इज़ नॉट एट इट्स प्राइम आई थिंक, काफ़ी पुराना, उसमें स्लाइडिंग एंड स्लोपिंग्स भी आप देख रहे हैं जो कि बर्फ वहाँ से स्लाइड हो रखी है। तो आई थिंक यहीं से पीछे की तरफ में वो ग्लेशियर कंटिन्यू करता है, दिस इज़ द माउंटेन जहाँ से ग्लेशियर स्टार्ट होता है। वी आर प्रेजेंटली एट 9500 feet। ये जो सामने हमारे पहाड़ है, इस एरिया का मेरे सामने जो भी पहाड़ है सबसे ऊंचा पहाड़ है, इसकी हाइट वुड नॉट बी नॉट लेस देन 18,000 feet, हो सकता है 17,000 भी हो। और यहाँ का एक पिक्युलरिटी है, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं होती है, बहुत लिमिटेड वेजिटेशन है, वो वेजिटेशन भी सिर्फ सुरू वैली के कारण है, और इस सीज़न में यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी काफ़ी हो जाती है, बिकॉज इस एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सब सूख जाते हैं, और उसके कारण होता यूँ है कि ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है एटमोसफेयर में, जिससे कि सांस लेने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो यू नीड टू एक्लिमेटाइज एंड अडेप्ट टू द एनवायरमेंट एज सून एज यू कम हियर। ऐसा हुआ है कुछ कि मैंने 2 मिनट आई थिंक 10 मिनट के लिए ग्लव्स रखे होंगे यहाँ पे, और ये हो गए कड़क, इनके अंदर की बर्फ झुके गई जम, क्योंकि टेम्परेचर इस वक्त -20°C एकदम कड़क ग्लव्स पहने तो यही पड़ेंगे, और इनको पहन के अब हम यस नाउ इन शेप, अब हम खेलेंगे तलवारबाजी। The sword of Tipu Sultan, नहीं ये है सुलेमानी तलवार। हाँ ये है सुलेमानी तलवार, और इससे हम इस पूरे इलाके का कब्जा करके यहाँ पे अपनी सल्तनत बनाएंगे। It's time to go back to home, waiting for you. Come on, hurry up! An avalanche is coming. Hurry! And now the balancing act. ये बर्फ पे चलने की कला। आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करता हूँ। दिस इज़ माई सीरीज ऑफ लाइफ एट -30। मेरी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है, मेरी मेमोरी ख़त्म हो चुकी है, मेरी एनर्जी भी ख़त्म हो चुकी है, और मेरा एग्जॉस्ट लेवल एकदम 100% पे है। इससे ज़्यादा मैं कैमरे को पकड़ के व्लॉग नहीं बना पाऊँगा, बिकॉज एट -25-20°C मेरे हाथ एकदम जम के नीले पड़ चुके हैं। मैं शो नहीं कर रहा बिकॉज आई एम स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड, वो कहने की बातें हैं, बट इस वक्त यहाँ का टेम्परेचर -20°C है, एंड लाइफ इज
really tough at -20, -25, and -30 degrees centigrade. So me signing off for now from these beautiful mountains of Kargil. और मिलते हैं बहुत जल्द. तो इसके साथ अब जाके हमें हुई है अत्यंत आनंदमय अनुभूति का अनुभव. अलविदा मेरे दोस्त.